फिर आप कब कमरों में नहीं बैठ पाओगे, याद रखना मेरी बात। आप कुर्सियां पे तब तक बैठे हो, आप कुर्सियों पे तब तक बैठे हो जब तक जनता को न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है। जिस दिन जनता का भरोसा उठ गया, कुर्सी पे नहीं बैठने देगी जनता आपको, याद रखना मेरी बात को। राजनीति करते हैं आप, इनके लिए लड़ो, इनके लिए संघर्ष करो, इनकी उम्मीदों को टूटने मत दो, यही उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। तो उनको एहसास नहीं कि मेरी जड़ें कितनी गहरी हैं यहाँ बुंदेलखंड में, लेकिन मैं उनको एहसास कराऊंगा आने वाले समय में। लेकिन अभी आपसे कह रहा हूँ, कमजोर वर्ग के लोगों एकजुट रहो। आपका चाहते हो ना, नहीं चाहते ना और किसी छोटे लाल प्रजापति की हत्या हो, तो बस मजबूत रहो। धन्यवाद आप सब लोगों का। ये घरों के हालात इतनी अच्छी नहीं है, इनके हालात देखो ये कच्चे हैं। आप अपने आप इनसे बचो, ये गिर जाएगा कोई घर, चोट लग जाएगी तुम लोग, उनके नीचे बच्चे खड़े हैं। कहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो तुम लोग, बेवकूफ हो गए हो। इस फोटो कैमरे के चक्कर में ये भी नहीं पता कि माँ रोएगी चिल्लाएगी अगर कुछ हो गया तो। कहाँ कहाँ करके खड़े हो गए, पागल हो गए हो गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा कहाँ से लेके आऊंगा, क्या बेवकूफी है। अब देखो कैसे टकरा रहे एक दूसरे, गिर जाएंगे दीवारें। वैसे ही तुम्हारे बारे में सरकार सोचती नहीं है, तुम मरो या जियो देखो किन हालातों में रह रहे हो। जानवर भी नहीं रहता, दूसरे के कुत्ते भी नहीं रहते ऐसी जगहों में जहाँ रह रहे हैं हमारे लोग इंसान। देखो 3 फीट का गेट है, कमर मुड़ जाएगी जब जाएंगे अंदर। जिस गेट से निकल रहे हैं उसके भी ये हालात हैं। लेकिन आप महसूस करो, बहुत कुछ नहीं बदला है आजादी के बाद अब तक। इसलिए कह रहा हूँ आपसे, समझदार बन जाओ, जिम्मेदार बन जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, रोजगार के लिए प्रेरित करो, और तमाम तरह के अंधविश्वास पाखंडवाद से निकल के अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचो। जब आपके बच्चे कामयाब होंगे तभी इन घरों की दशा बदलेगी, सरकार नहीं बदलेगी। सरकार को आओ, सरकार आपको इंसान भी नहीं मानती, मानती तो बताओ, मानती तो ये जुल्म होता क्या। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं प्रशासन से भी पुलिस के लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको और हमें मिलके इस जुल्म को रोकना है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से कह रहा हूँ, हमारे जिला उप जिलाधिकारी यहाँ खड़े हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जिस चेयर पे आप हैं उस चेयर में बहुत शक्ति दी है संविधान ने, अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके गरीबों पर होने वाले जुल्म को रोकिए और इनके रास्ते आसान कीजिए और भरोसा कीजिए। अगर इनका भरोसा टूट गया कि न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आप कब कमरों में नहीं बैठ पाओगे, याद रखना मेरी बात। आप कुर्सियां पे तब तक बैठे हो, आप कुर्सियों पे तब तक बैठे हो जब तक जनता को न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है। जिस दिन जनता का भरोसा उठ गया, कुर्सी पे नहीं बैठने देगी जनता आपको, याद रखना मेरी बात को। मैं आपको, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का नागरिक हूं, मुझे चिंता अपने प्रदेश की, समझाने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। अगर सच में उलझने की बात होती तो आप भी यहीं बैठते और मैं भी यहीं बैठता, ना मैं आपको दफ्तर जाने देता ना खुद कहीं जाता। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी अपना काम करें और हम लोग भी अपना काम करते हैं और गरीबों की भी समस्याएं खत्म होती है। मैंने उस परिवार को वचन दिया है कि उनके साथ न्याय होगा और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि दोनों सीनियर अधिकारी इसमें हमारी मदद कराएंगे। और मैं आपसे भी अपील करता हूँ, मान जाओ यार, मान जाओ। अगर नारे से कुछ बदलता तो तुम बेटे तुम महल वाले हो जाते, मान जाओ। दूसरे लोगों को कम जिम्मेदार मानो, तुम लोग अपने अंदर भी झांको, कुछ कमियां अपने अंदर भी हैं भाई, मानो। ये नशा बुराइयां छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों का जो इस पीड़ा को सहने के लिए, कम करने के लिए आप पहुंचे। लेकिन लगातार जाओ, मैं आऊं इसलिए नहीं, जाओ इसलिए जाओ कि हर गरीब परिवार वो उम्मीद कर रहा है कि जब अगर उनके साथ जुल्म होगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आएंगे उनकी मदद करने। वो आप में उम्मीद देखता है, वो आप में हर किसी के अंदर चंद्रशेखर आजाद देखता है, उनको लगता है ये आएंगे तो न्याय मिलेगा, तो उनकी उम्मीदों को टूटने मत दो। और लोग तो राजनीति करते हैं, आप इनके लिए लड़ो, इनके लिए संघर्ष करो, इनकी उम्मीदों को टूटने मत दो, यही उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि आप यहाँ पहली बार आए हो, क्या सच बताऊं मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, क्या यहाँ के रहने वाले मेरे भाइयों के दिलों में रहता हूँ नहीं रहता हूँ मैं बताऊं। तो उनको एहसास नहीं कि मेरी जड़ें कितनी गहरी हैं यहाँ बुंदेलखंड में।
लेकिन मैं उनको एहसास कराऊंगा आने वाले समय में। लेकिन अभी आपसे कह रहा हूं कमजोर वर्ग के लोगों, एकजुट रहो, एकजुट रहो, भाई भाई का हाथ पकड़ के रखो और किसी के भरोसे मत रहो, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो, अनुशासित रहो, अपने लिए संघर्ष करो, आंदोलन जो हमारा संवैधानिक रास्ता है, आंदोलन करके अपनी लड़ाई को मजबूत करो। और अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन भीड़ जगहों से हटो, जिन जगह जो जगह कच्ची उनसे अलग हो जाओ, कोई नीचे कोई गिर जाएगा इससे उतर किसी का सर फट जाएगा, पीछे हो जाओ, अपने आप जिम्मेदार बनो। और आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन बचो, सावधान रहो, धन्यवाद आप सब लोगों का, रास्ता तो मुझे भी आगे काम करने चलो। मैं छोटे लाल प्रजापति जी के परिवार से वादा करके आया हूँ, मेरा विश्वास है कि आपके और हमारे सहयोग से उनको न्याय मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ, चाहते हैं न्याय मिले, छोटे लाल प्रजापति जी को न्याय मिले, हाथ खड़ा करेंगे। अब चाहते हो ना, यदि चाहते ना और किसी छोटे लाल प्रजापति की हत्या हो तो बस मजबूत रहो। धन्यवाद आप सब लोगों का, जय भीम जय भारत। जाने देता ना खुद कहीं जाता, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना काम करें, हम लोग भी अपना काम करते हैं और गरीबों की भी समस्याएं खत्म होती है। मैंने उस परिवार को वचन दिया है कि उनके साथ न्याय होगा और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दोनों सीनियर अधिकारी इसमें हमारी मदद कराएं। और मैं आपसे भी अपील करता हूं, मान जाओ यार, मान जाओ, अगर नारे से कुछ बदलता तो तुम बेटे तुम महल वाले हो जाते, मान जाओ। दूसरे लोगों को कम जिम्मेदार मानो, तुम लोग अपने अंदर भी झांको, कुछ कमियां अपने अंदर भी हैं भाई, मानो, ये नशा बुराइयां छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों का जो इस पीड़ा को सहने के लिए, कम करने के लिए आप पहुंचे, लेकिन लगातार जाओ, मैं आया हूं इसलिए नहीं, जाओ इसलिए जाओ कि हर गरीब परिवार वो उम्मीद कर रहा है कि जब अगर उनके साथ जुल्म होगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आएंगे उनकी मदद करने, वो आप में उम्मीद देखता है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, वी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि वी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।